क्या यार, क्या हुआ यार? बहुत गुस्से में लग रहे हो यार। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान की असल कहानी बताता ही नहीं है। यार मैं बताता हूँ आपको पाकिस्तान की असल कहानी। तो हुआ कुछ यूँ था कि August 1947 आप सब आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप सब आजाद हैं। कायदे आज़म की 41 साल की अनथक मेहनत और जद्दोजहद से बिलाखिर इकबाल का ख्वाब सच्चा होने का दिन आ पहुंचा था। मुसलमानों का जज्बा ईमानी उरूज पर था। August 1947 की शब 11:45 एक आलमगीर ऐलान हुआ। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। 12:05 पूरे बरसगीर में सन्नाटा छा चुका है। सबका ध्यान रेडियो की तरफ और अगले ऐलान का इंतज़ार। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। इस ऐलान की बदौलत एक नई मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान उभर कर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। लेकिन बड़े सगीर की तकसीम इतनी आसान ना थी। हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी ने इस मुल्क की जड़ों को दवाम बख्शा। लेकिन दुश्मन के इरादे नेक ना थे। वो इस मुल्क को एक दीवाने का ख्वाब समझ रहा था और पै दर पै इसकी बुनियादों को हिलाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तमाम अफराद जज्बा ईमानी और सरफरोशी से इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन रहा और दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर उभर कर दुनिया को फरताए हैरत में डाल दिया। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान में बहुत सी ऊंच नीच रही। तो फिर किस बात के लिए मुझे निकाला गया? लेकिन इस कौम ने अज़म कर लिया कि किसी हालत में भी किसी के सामने नहीं झुकेगी। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? पाकिस्तान कुदरत का अजीम तोहफा है, जहां साल में 4 मौसम, बुलंद व बाला पहाड़, तारीखी मुकामात, खूबसूरत बागात, दरिया, समंदर, झीलें, झरने, हरे भरे मैदान, लहलहाती फसलें, हर मौसम के लजीज फल और मेवाजात। अलगर्ज पाकिस्तान एक बेमिसाल सरमाया और अतिया खुदाबंदी है। हम नौजवानों का फ़र्ज़ है कि इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए दिलजान से मेहनत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।